Assalamualaikum everyone, I hope you all are doing great. कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल हैं सबके। सो बड़ी रिक्वेस्ट आती है मेरे इंस्टाग्राम पे, ये रेसिपी बता दें, वो रेसिपी बता दें, ग्राम्स में, वेट्स में बता दें। सो भाई आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए 3 pound स्पंज की रेसिपी, यानी कि 3 pound के केक में हमारे स्पंज का वेट, साइज और इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने लिए हैं 6 eggs। eggs आपका जो स्पंज का वेट होता है ना, वो आपके eggs के साइज पे डिपेंड करता है कि आप अंडा छोटा यूज़ कर रहे हैं, बड़ा यूज़ कर रहे हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन egg साइज, ठीक है। सो ये मीडियम साइज के egg थे जो कि मैंने 6 ले लिए हैं। यहाँ पे ये कैस्टर शुगर है, आपने कैस्टर ही यूज़ करनी है, क्योंकि क्या होता है कि अगर शुगर डिजोल्व नहीं होती तो पानी छोड़ते हैं अंडे और आपकी चीनी, जिसकी वजह से आपका स्पंज फूलता नहीं है। सो यूज़ कैस्टर शुगर। ये 1/4 cup है, हमने 2 बार लेना है, ठीक है। अब इसको वेट कर लेते हैं, इग्नोर विथ माई स्केल, क्योंकि कल मैं बेकिंग कर रही थी तो उसके ऊपर कलर वलर लग गया था और मैं इसको क्लीन नहीं कर सकी ड्यू टू टाइम की शॉर्टेज, सो बेयर विद इट। अब हम इसको वेट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये आ रही है 70 ग्राम, 70 + 70 140 ग्राम आपने डालनी है चीनी, कैस्टर शुगर, 6 eggs में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कप्स के साथ करते हैं, तो कप्स की तो अपनी मेजरमेंट होती है और जो इंग्रेडिएंट होता है उसकी अपनी होती है। तो ये जो कप्स होते हैं ना प्लास्टिक के, इनका जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है, हार्डली कोई 10 ग्राम होगा या फिर 5 ग्राम होगा, 15 ग्राम होगा, इससे ज़्यादा तो इनका वेट नहीं होगा। सो हम जब भी मेजरमेंट करते हैं, मैं जब भी मेजरमेंट करती हूँ तो इंक्लूडिंग जो कप होता है उसको लेकर करती हूँ और परफेक्ट मेरी रेसिपी बनती है। सो मैंने इसमें कप का जो वेट है वो माइनस नहीं किया है। सो ये 70 ग्राम और इसको हम प्लस करेंगे, 2 बार हमने डालना है, सो 140 ग्राम। और ये स्पंज बन रहा है 3 pound केक के लिए, यानी कि 1.5 kilo ऑलमोस्ट केक होगा, क्रीम व्रीम सब कुछ मिला के। यहाँ पे जी आ गया है ये मोल्ड, मैं 8 inch का मोल्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है। और ये मोल्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे हाइटेड केक नहीं बनाना है, छोटी हाइट का केक बनाना है जो कि दिखने में चौड़ा होगा पर उसकी हाइट कम होगी। अगर मुझे हाइटेड केक बनाना होता 3 pound का सेम रेसिपी के साथ, सो मैं 7 inch का मोल्ड लेती जो कि इससे छोटा होता है पर लंबा होता है, सो उससे केक आपका हाइटेड बनता है। पर हमने बनाना है जी शॉर्ट हाइटेड केक, ठीक है। सो अगेन मैं बता देती हूँ, 3 pound का स्पंज है ये, हम मैं सिर्फ अभी आपको स्पंज बता रही हूँ, 3 pound स्पंज, 1/4 cup आपने प्लस करना है, 2 बार करके डालना है, ठीक है। और ग्राम्स में अगर आप करें तो आपने 140 ग्राम कैस्टर शुगर डालनी है 6 अंडों में। अब हम इसे बीट करेंगे, अब इसे मैं बीट करना स्टार्ट करी हूँ। पहले हम लो उस पर करेंगे, सेटिंग पे, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता स्पीड को बढ़ाएंगे। हमारा ये बीट हो गया है, इसका टेक्सचर जो होना चाहिए ऐसे फोमी होना चाहिए और इसको ओवर बीट भी नहीं करना है कि फिर आपका ये जो एयर इसमें डेवलप होती है वो बैठना शुरू हो जाए और उसकी वजह से फिर आपका स्पंज ख़राब हो जाएगा, नहीं बनेगा। अब हम आ जाते हैं फ्लावर की मेजरमेंट पे। हमने 3 pound केक के लिए 6 eggs के साथ 1.5 cup फ्लावर लेना है, यानी कि 1 pound का केक बनाएंगे तो 2 eggs विथ 1/2 cup फ्लावर, इसी तरह से 2-2 करके और 1/2 cup करके आप बढ़ाते रहेंगे। सो 6 eggs के साथ 1.5 cup फ्लावर मैंने लिया है, ये 1 cup मैं ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुकी हूँ, सो मैं 1/2 cup इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल लेवल करके आपने लेना है। उसके बाद इसमें जाएगा 1 teaspoon बेकिंग पाउडर और 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऑप्शनल है क्योंकि अंडों की फ्लफीनेस की वजह से ऑलरेडी केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, सो इट्स ऑप्शनल, अगर आपने डालना है डालिए, नहीं डालना नहीं डालिए, बस हम इसे सिफ्ट करते हैं और फिर हम इसे मिक्स करते हैं। इसे मिक्स ज़रूर करिएगा वरना ऐसा ना हो कि जब आप उसमें डालें तो हर चीज़।
आपकी अलग अलग हो जाए, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसकी टिप कि आपने फ्लावर को ऐसे ही सारा नहीं डालना है, आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे और ऐसे फैला फैला के डालेंगे। ऐसे आप लेंगे इस तरह से और आपने ऐसे ऐसे करके ऊपर से फैलाना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी हैंड विस्क की मदद से ऐसे राउंड करना है। आपने जो इसके अंदर एयर क्रिएट की है बैटर के अंदर, वो अगर आपने एक बार ख़त्म कर दी तो फिर आपका स्पंज फूलने वाला नहीं है, आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ जाएगी। तेज़ तेज़ हाथ नहीं चलाना, बस आहिस्ता आहिस्ता आप इसको ऐसे मिक्स करेंगे। सो हमारा बैटर हो गया है तैयार, अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे। टैप करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वरना आपके स्पंज में बबल्स बन जाएंगे। यहाँ मैंने ये गरम करने के लिए कोई 15 मिनट से रखी हुई है बिल्कुल लो फ्लेम पे, ठीक है। अब हम इसे हटाएंगे और इसके अंदर अपना मोल्ड रखेंगे। बिस्मिल्लाह, ठीक है। ऐसे करके हमने इसे रख दिया यहाँ पे बिल्कुल बीच में करके, इसको कवर करेंगे और 50 to 60 मिनट्स के लिए आप इसे भूल जाएंगे। ये स्पेसिफिक मेरे पास एक पतीली है जो सिर्फ मैं स्पंज के लिए यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर ओवन में ही बेकिंग करती हूँ, आप लोग को दिखाने के लिए जिनको पतीली में बनाना होता है जिनके पास ओवन नहीं है। नीचे देख लें, ये आपको नज़र आ रही है फ्लेम इतनी रखनी है आपने, ठीक है, और 50 मिनट्स का आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा लें। अब हम आपसे मिलेंगे 50-60 मिनट बाद। पूरे 50 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम खोल के देखेंगे, अगर लगेगा कि कुछ कसर है सो 5-10 मिनट के लिए इसको मज़ीद बेक कर लेंगे, ठीक है। सो ये देखें, अभी इसमें से ना ऊपर जो ये सरफेसेस में से भी आवाज़ एक आती है चुर चुर करके, ठीक है, तो ये इसका मतलब है ऊपर से अभी हल्का सा गीला है। तो मैं इसको 5 से 10 मिनट और दूंगी, उसके बाद हम इसको ठंडा होने के बाद डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड कर लेते हैं, अभी ये बहुत ज़्यादा कूल नहीं हुआ है, मुझे जल्दी भी है सो इसीलिए मैं डीमोल्ड कर रही हूँ। आपने इसको अच्छी तरह से कूल करना है, कभी भी गर्म में डीमोल्ड मत करिएगा वरना आपका स्पंज ब्रेक हो जाएगा। और बेकिंग के दौरान बीच बीच में आपने अपनी पतीली या कुकर जिसमें भी बना रहे हैं उसे खोल के नहीं देखना है। एक बार में आप इसको 50 मिनट के लिए बेक करने के लिए छोड़ देंगे और जब 50 मिनट हो जाएंगे उसके बाद आप चेक करके देख लें कि जी हुआ है या नहीं हुआ। और अब ये आप स्पंज देखिए कितनी आसानी से निकल आया, कितना अच्छा सॉफ्ट, ये देखें कितना अच्छा, देख रहे ये देख रहे, ठीक है जी। सो अब मैं आपको इसका वेट करके बताती हूँ। मशीन को दोबारा से हम ऑन कर लेते हैं, 0 पे आ गई है और अब मैं आपको इसका वेट करके दिखाती हूँ स्पंज का, ये देखिए। सो ये हमारा स्पंज रेडी हुआ है 494 ग्राम का। अब जब इसमें आइसिंग होगी सारा कुछ होगा तो जो 3 पाउंड का एक्यूरेट वेट होता है वो आ जाएगा। स्पंज का जो आइडियल वेट होना चाहिए 3 पाउंड केक के लिए वो 500 से लेके 555 तक 50 तक जा सकता है, 600 तक भी चला जाए तो कोई इशू की बात नहीं है। मैंने जैसे बताया कि अंडे पे डिपेंड करता है, अगर बड़े साइज़ के अंडे होंगे तो ये 550 तक चला जाएगा। सो समझें ये ऑलमोस्ट 500 ग्राम का 3 पाउंड का स्पंज बना है। सो जी ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसमें कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट करिएगा और मुझसे पूछिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।